आई होप सब ठीक होगे। हम तो सब बढ़िया हैं। और आज मैंने सोचा फुटवेयर कलेक्शन पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत दिन से सेम सेम डेली ब्लॉग्स हो रहे थे, जैसे घर के ही नॉर्मल। तो मैंने सोचा भाई मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, जैसे इंस्टा पे भी, कि दीदी अपनी फुटवेयर्स दिखाओ, अपना मेकअप दिखाओ, अपने बैग्स दिखाओ। तो मैंने सोचा आज पहले अपनी फुटवेयर दिखाऊँ, फिर उसके बाद तुम्हें बैग्स, और उसका बाद में आएगा ब्लॉग। तो भाई बहुत सारी हैं, देख सकते हो जैसे कि कितनी सारी हैं, रख के बैठी हुई हैं। तो देखना एक एक करके दिखाऊंगी, जो तुम्हें पसंद आए, मतलब अच्छी लगे, तो उसको कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे को ये वाली अच्छी लगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरी पहली फुटवेयर है ये, नियोन कलर है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये मैंने ली थी लाजपत नगर से, ये मैं अभी लाई थी शादी के बाद, घूमने गए थे ना गोवा वहाँ से। तो ये मेरे को वैसे ही अच्छी लगी, मतलब कलर के ऊपर। तो फ्लैट्स भी थी, क्योंकि हील्स वगैरह तो मैं वेयर कर ही नहीं जाती, तो मैंने सोचा ये वाली ली जाए। तो फर्स्ट तो मेरी ये है, और दिखाती हूँ सेकेंड। तो गाइज ये मेरी बहुत फेवरेट चप्पल हुआ करती शादी से पहले, ये मेरी शादी से भी मतलब 6-7 महीने पहले की है। ये मैंने बहुत पहनी है, मतलब बढ़िया थी, कंफर्टेबल थी। और ज़्यादातर चप्पल मेरी स्टेलेटोस की है सारी, मतलब मेरे को स्टेलेटोस किन्स यहीं से ज़्यादा लेती हूँ, और एक दो होंगी कहीं की अलग की, वरना वहीं की है। तो ये भी मेरी स्टेलेटोस की थी। ये वाली भी बताना कैसी लगी, ये भी अच्छी लगती है। बीच में इनका ट्रेंड चला था ये चैन वाला, तो ये जब मैंने ली थी। भाई इतनी सारी है रखने की जगह भी। और ये मेरी शादी के बाद की सबसे फेवरेट है, ये वाली भी दिखाती हूँ। ये मैंने शादी के बाद बहुत पहनी है, हर सूट पे, तुम मेरी रील्स में भी देखना हर जगह, ये वाली तुम्हें देखने को मिलेगी। मतलब थोड़ी यहाँ पे स्पार्कल स्पार्कल से हैं, पर वैसे अच्छी है। इनकी हील्स भी देखो कम है, थोड़ी सी है ना, तो मतलब कहीं भी जाती हूँ मैं जल्दी जल्दी, तो यही सामने रखी रहती है, यही पहनती हूँ, कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। और ये भी स्टेलेटोस की है। प्राइस भाई मुझे इनके पता नहीं है, क्योंकि प्राइस तो इनके हटवट गए हैं डब्बों पे से। जैसे इसका लगा भी हुआ है 2200 की थी ये, तो मतलब स्टेलेटोस की है तो सारी ऐसी है, कोई 2000 की है, कोई 2500 ऐसे ही है। मतलब जिस पे लिखा है उसके रेट मैं बता दूंगी, और जिस पे नहीं लिखा तो उसके तो मुझे कैसे बताऊँ। और ये देखो भाई, ये तो तुमने मेरी बहुत देखी होगी पिंक वाली, ये तो मेरी बहुत फ्रेंड्स को भी पसंद है, मतलब सब मेरे से पूछती है कहाँ से ली कहाँ से ली, और मैं पहनती भी ये वाली भी ज़्यादा हूँ। तो इनका कलर बहुत प्यारा है, नियोन पिंक कलर में है, जैसी वो पहली वाली नियोन थी। तो ये मेरे को अच्छी लगी थी, ये भी मैंने जब ली थी, और फिर अब मैं पहनती हूँ तो मुझे ये हर कपड़ों पर अच्छी लगती है अपने। तो भाई इनका प्राइस भी पता नहीं लिखा है नहीं लिखा, ये भी वैसे तो पता नहीं लाजपत से ही ली थी या पता ना कहाँ से ली थी, ये मैं तो भूल जाती हूँ भाई। इस पे नहीं लिखा क्या है साइज वगैरह, साइज तो मेरा 36 भी आ जाता है, मुझे 37 भी आ जाता है। छोटा ही पैर है मेरा मेरी तरह। और भाई ये वाली देखो, ये भी बड़ी क्यूट है, ब्लैक कलर की, कैसी लग रही है भाई ये भी बताना। ये मतलब इनकी हील्स वैसे ऐसी है, पतले में है, पर अच्छी है, कंफर्टेबल है। ये मेरी किन्स से है, ये स्टेलेटोस से नहीं है, क्योंकि ये वहीं से ली थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी ली थी तो वहीं हमने एक साथ पसंद करी थी। ये भी पर इतने की थी, 2200 या 300 की ऐसी कुछ थी, मुझे पसंद आ गई थी। तो फिर ये तो मैंने पर एक दो बार ही पहनी है, ज़्यादा भी पहनी नहीं है। और भाई तो ब्लैक वाले के बाद नेक्स्ट है ये वाली, ये वाली अच्छी लग रही है। ये बॉटल ग्रीन, मतलब ब्लू सा कलर था, मतलब अलग सा कलर है। ये भी मैंने, तुमने देखी नहीं होगी किसी ने रील्स वगैरह में भी पहनी नहीं है। इनकी हील्स देखो कितनी डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है इनकी हील्स। तो मैंने ये भी, और हाँ जब मेरी शादी थी ना, जब ये वाला पैटर्न बहुत चल रहा था, क्योंकि जब ये जो डबल पट्टी
प्रैक्टिस ही है ना ये, हर सैंडल्स में यही आ रही थी। जहाँ तक कि मेरे को ब्राइडल हील्स लेनी थी ना, उसमें भी मुझे यही दिखा रहे थे, पर ऐसे मेरे पास शायद एक और अभी दिखाऊंगी। तो मेरे को ये था कि मुझे ब्राइडल में वो वाली नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर ब्राइडल तो अलग ली थी। पर ये भी देखो अच्छी लग रही है ना, ये भी क्यूट सी थी, कलर भी इनका कितना प्यारा है देखो। ये भी स्टेलेटोस से है, इसका भी प्राइस लिखा होगा। एक तो मैं डब्बे चेंज कर देती हूँ ना, दूसरे दूसरे में डाल देती हूँ तो पता नहीं चलता। इसका 2500 है, मतलब 2499, तो मतलब 2500 है ये भी। पर अच्छी है ये वाली भी, स्टेलेटोस की है ये भी। और भाई ये बताती हूँ, हाँ ये भी स्टेलेटोस की है मेरी, ये 3000 की थी मेरी। ये मैंने ली थी शादी से पहले ही ली थी, शादी के बाद में। ये देखो ये हो गया, यहाँ से ऐसे बांधने वाली, आगे से ये साइड से पूरा इसमें ये है। ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी में ली थी और पहनी थी, जब भी शायद एक बार जब ही पहनी है, और शायद अपनी इंगेजमेंट पे पहनी है, अभी पता नहीं, मैं भूल भी तो गई। पर ये भी प्यारी लग रही थी उस टाइम। पर इसकी हील्स कितनी ज़्यादा है ना, ये मैंने उस हिसाब से ली थी लहंगा या गाउन वगैरह पे पहनने के लिए, तो इसलिए इसकी हील्स ज़्यादा ली थी मैंने। और भाई चप्पलों से इनसे सैंडल से मन नहीं भरता, अब भी कहीं जाती हूँ तो नहीं ले ही आती हूँ एक आधी। ये 3000 की थी, और ये थी मेरी ब्राइडल हील्स। ब्राइडल मैंने ये ली थी, कैसी लगी भाई सब जरूर बताना। अलग सी है ना थोड़ी, क्योंकि ब्राइडल थोड़ी ऐसी लेनी थी चमकीली वाली, इस वजह से कि मतलब ये नग वग हो थोड़ी अलग सी लगे। और इनकी देखो हील्स भी कितनी प्यारी है ना, इस पे डिजाइन है पूरी हील्स पे, और मतलब कंफर्टेबल भी बहुत थी। मुझे ब्राइडल में ये था कि हमारा लहंगा ऑलरेडी इतना हैवी हो जाता है, तो हम मतलब भाई कुछ रस्में होती है ऐसे कि झुकना पड़े, कुछ कहीं उतारनी हो फेरों पे चप्पल, तो वो बांधने वाला सिस्टम ना हो। तो वो मेरे को पहले ही मेरी वो था कि दुकान पे जाके कि भैया ब्राइडल सील्स दो, पर ऐसे वो बांधने वाले मत देना। तो उन्होंने फिर उस टाइप में वही वाले दिखा रहे थे, वो दो पट्टी वाली, फिर मैंने ये पसंद करी थी। ये भी पता नहीं 3500 की थी या इतने ही कुछ थी, पर ये अच्छी लग रही है, गोल्डन कलर लिया था। ये भी बताना भाई तुम सबको पसंद आई क्या। मैं थक गई, मैं थक गई, पर लेकिन हील्स खत्म नहीं हो रही अभी। तुम भी देख देख के थक जाओगे इतनी सारी। और अभी दो तीन तो मैं लाई नहीं, अंदर ही पड़ी है, वो थोड़ी नॉर्मल घर वर की है, नहीं है। देखो ये वही पैटर्न आ गया दोबारा, दो पट्टी वाला। वो जो मेरे पे ग्रीन थी ये बिल्कुल सिल्वर है, वो ब्लू सी थी। ये भी मैंने पहन ली कई बार ये भी, पर सुंदर लगती है देखो सिल्वर कलर। पर हाँ ये है स्टेलेटोस की चप्पल है ना, खराब नहीं होती, मतलब रखी है डब्बे में कुछ भी है, मतलब ये सारी चीज़ इनकी बढ़िया है। मुझे ज़्यादातर स्टेलेटोस की चप्पल पसंद आती है। तो ये भी पता नहीं कितने की थी भाई, ये मेरे ख्याल में पता नहीं 1900 की थी, 1800 की, ऐसी कुछ थी। इनकी हील्स ऐसी है, ये अलग सी हील है। मैं हील्स देख के जरूर लेती हूँ, थोड़ी अलग अलग सी हो ना, दिखे तो सुंदर लगे। अब रह गई ये वाली, ओ भाई ये वाली कहाँ की है, ये भी स्टेलेटोस की है शायद ना, ये किड से ली थी ये, और अभी एक आएगी वो दिखाऊंगी तुम्हें। ये भी बहुत प्यारी है देखो, गोल्डन कलर की है ना, कितनी सुंदर पीछे से ऐसी है। ये बांधने वाली, बांधने वाली तो ऐसी मेरे पे सिर्फ तीन चार ही है ऐसी वाली, और तो सारी वैसी है सीधा पैर चप्पलों में। ये देखो इसके आगे का वो कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मैंने इस वजह से ली थी। वैसे मुझे पसंद तो इसमें ब्लैक कलर आया था, फिर मैं दोबारा भी गई इस शॉप पे, फिर मैंने कहा भैया मुझे ब्लैक ही लेना है, फिर वो मेरा साइज ही नहीं था। तो मुझे लगा कभी ये वाली चप्पलें निकल जाए ना, आए दोबारा रीस्टॉक ना हो, तो फिर मेरे को मैंने कहा गोल्डन ही लूँ, पर मैं लूँगी ये वाली। पर हाँ गाइज ये वाली ना, मतलब मैंने पहन के देखी है सारी,
ये वाली थोड़ी कम कंफर्टेबल है, या तो पता नहीं इनकी हील थोड़ी ऐसी है पीछे से ही ऐसा है, पर पता नहीं मेरे को ऐसी लगी कि ये वाली थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है। वैसे पैर में पहनने के बाद सुंदर लगती है, पर वो मज़ा नहीं आया। जैसे मेरा और सारी सैंडल्स मेरी कंफर्टेबल है, मैं कैसे भी पहन के डांस भी कर लेती हूँ खूब, मतलब कैसे भी रोड वगैरह हो चल लेती हूँ। ये मैंने 2 बार पहन ली, वो मजा सा नहीं आया, पर वैसे क्यूट है ये वाली। और अब दिखाती हूँ नेक्स्ट 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 कहाँ देखी, ये रही भैया की रहेंगी सारी। ये भी मेरी शादी से पहले की है, ये भी एक ही बार पहनी है। ये ली थी एच एन एम से 1700 की ली थी, पता नहीं कितने की, ऐसे ही कुछ थी। ये बिल्कुल फ्लैट है, मतलब ये भी अच्छी है ना वैसे तो चप्पल, वाइट और ये पता नहीं ये कोपर जैसा है, पर ये बिल्कुल फ्लैट और एकदम सॉफ्ट सी है, ऐसे लगता ही नहीं है पैरों में चप्पल पहन रखी है, एकदम लाइट वेट है। और ये भी इतने की बता दिया मैंने, 1600-1700 ऐसे ही कुछ थी। और ये वाली देखो, ये है आईज वाली, ईवी लाई वाली, ये मेरे लिए मम्मी लाई थी लाजपत नगर से। ये नॉर्मल जैसे लाजपत नगर में शॉप होती है ना बाहर, ये वहाँ से है, तो ये ज़्यादा है मतलब महंगी नहीं है। ये होगी 400-500 ऐसे होगी ये वाली भी, और मेरी वो नियोन वाली भी जो सबसे पहले दिखाई थी। और ये भी कंफर्टेबल है, मैं गोवा गई थी ना, मैंने ये और नियोन ये 2 ही चप्पलें पहनी थी। और एक ये वाली, ये भी लाजपत नगर से बाहर से ही जो शॉप होती है वहाँ से ली थी, लड़कियाँ देखती उन्हें पता तो हो गई, गोल्डन कलर की। ये मतलब ये भी बहुत कंफर्टेबल है एकदम, जो इसका ये पहनने का ही सोल है ना ये एकदम गद्दे गद्दे जैसा है, तो ये भी अच्छी है। और स्टेलेटोस की भाई एक ये है, ये भी मेरी शादी में ली थी मैंने, तो ये देखना कितनी कंफर्टेबल है इसकी। ये चीज़ बहुत कंफर्ट है, फ्लैट चप्पल है, और मतलब सूट वूट जीन्स मतलब किसी पर भी पहन लेती हूँ मैं, ये बढ़िया लगती है, कलर भी अच्छा लगता है और पैरों में भी अच्छी लगती है ये वाली। मतलब 3-4 ऐसी है इसमें जो मेरी फेवरेट है, ये है एक दो और हो गई, तो ये तो मेरी फेवरेट वाली चप्पल है। अभी और दिखाऊंगी गाइस, थकना मत तुम, और भी चप्पल है। अरे ये देखो, ये तो कागज भी डल रहा है इसमें अभी, ये भी नई की नई है, ये भी लाजपत नगर में किसी शॉप से ली थी, अभी पहनी नहीं एक बार भी, ब्लैक कलर की ये रखी है, शादी में ली थी, देखना पहनूंगी इन्हें भी, अभी नंबर नहीं आया अभी इनका पहनने का। और एक ये है गाइस, फ्लैट है बिल्कुल, ये भी शादी से पहले ली थी, ये मतलब अच्छी है कंफर्टेबल सी है, पर अभी पहनी ये भी नहीं है, वैसे छूने से बता रही हूँ कंफर्टेबल है ये, इसका भी नंबर ही नहीं आया है। और लास्ट है शायद ये लास्ट ये है भाई, इसके बाद कोई चप्पल नहीं दिखाऊंगी मैं तुम्हें, तुम भी थक गए होगे। ये देखना कितनी हथौड़ा सी चप्पल है, मतलब ये तुम्हें दिखने में ऐसे लग रही होगी कितनी ऊंची ऊंची ऐसी, पर ये बहुत कंफर्ट है। ये भी मैंने स्टेलेटोस से ली थी, ये भी 2500 की चप्पल थी या फिर 3000 की थी ऐसी कुछ थी, पर मेरे को ये था मुझे कंफर्ट के लिए लेनी थी, कभी ऐसा हो ना है सॉरी हैवी सूट वगैरह हो और तुम्हें बिल्कुल कंफर्टेबल पहननी हो, तो इस टाइप की बढ़िया लग रही थी। तो गाइस ये भी मैंने बताई थी 3000 तक की है, पर वैसे तुम ये ले सकते हो, कंफर्टेबल है अच्छी है, देखो कलर भी अलग सा है। ये भी मैंने, हम नैनीताल गए थे घूमने तो वहाँ लेके गई थी, पहनी भी थी एक दो बार। और लास्ट एक ये है, अभी लेके आई थी, ये तो मैंने पहनी रखी, आज कोट सेट पहन रखा है इसके ऊपर, ये भी अच्छी लग रही है ना, इसकी गोल सी हील्स है, तो ये अभी लेके आई थी। तो भाई दिखा दिया, ये होंगी कम से कम 14-15 जोड़ी चप्पल होंगी शायद, मैंने गिनी नहीं। तो भाई सब कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी चप्पल, मेरी सैंडल्स सबसे अच्छे लगे। और ये मेरे शूज़ हैं, ये तो मैंने तुम्हें दिखाए नहीं, ये अलग रखे थे, ये भी मैं नैनीताल गई जब लेके आई थी,
मुझे शुरू से ही शौक है वाइट शूज़ वगैरह पहनने का, किसी ड्रेस वगैरह पे, तो ये मेरे वाइट शूज़ हैं। प्राइस मैंने सबका साथ के साथ बता दिया है, भाई कोई लेने भी जाए तो पता नहीं किसी को कोई पसंद आए तो। शूज़ भी ऐसे ही, पता नहीं कितने के थे शूज़ का, तो मैं गाइस भूल गई प्राइस क्या था। और इनके भी जो डब्बों पे लिखे थे वो याद है, एक दो के भाई याद है ली थी जब, तो औरों के तो मुझे याद नहीं है। और जो ये ब्लैक वाली थी ना, ये घर की थी, पर ये भी महंगी दी थी चप्पल, पता नहीं 1500 कुछ की दी थी। ये वाली कह रहा था कंफर्टेबल है ये, अभी ये वाली इसका नंबर ही नहीं आया। तो गाइस कैसा लगा मेरा फुटवेयर कलेक्शन, सब भाई शेयर करना वीडियो को, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, और जो जो सैंडल्स तुम्हें पसंद आई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई मुझे दीदी ये सैंडल अच्छी लगी है। और मतलब भाई खुशी होती है, तुम सब कमेंट करते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक किया करो, अपने घर में शेयर करो, सब सब्सक्राइब करो, ऐसे फिर भाई हमें मतलब मोटिवेशन मिलेगी कि भाई देख रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं, तो फिर हम और वीडियोस बनाएंगे। तो अभी तो ये मेरा फुटवेयर कलेक्शन आ गया है, आगे भाई मुझे लगेगा कि अच्छा चल रहा है भाई, सब शेयर कर रहे हैं, तो फिर मैं और अपने बैग्स का, मेकअप का, जो जो कपड़े, ड्रेसेस, सूट वगैरह मेरे बहुत सारे हैं तो मैं उनका भी ज़रूर बनाऊंगी। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, राधे राधे।